पिछले सप्ताह से शुरू बारिश के कारण शहर की निचली बस्तियों के साथ साथ गिरीश संकुल, रामकृष्ण नगर, धानडोरी लेआउट, कृषि उत्पन्न बाजार समिति परिसर, बसवार लेआउट, माहेश्वरी लेआउट, स्वराज टाउन, खेड़ेकर लेआउट आदि क्षेत्रों में जमा बारिश के जलजमाव से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए उप विभागीय अधिकारी तथा नगर परिषद सावनेर के प्रशासक अतुल मैत्रे, मुख्याधिकारी हर्षल राणे, थानेदार मारुति मुरुक, अभियंता पुरुषोत्तम पांडे, पूर्व नगर सेवक नीलेश पटे आदि ने नगर परिषद सावनेर के आला अफसरों ने जायजा लिया। शहर के लिए खासकर बारिश के दिनों में बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस जल जमाव के कारण इन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के घरों में पानी जमा होना, जल जमाव के साथ जहरीले सांप बिच्छू की उपस्थिति से लोगों को जीना या यू कहे घरों के बाहर निकलना भी दूभर हो चला है। हालातों का पता चलते ही उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे ने इन बस्तियों तथा लेआउट का दौरा कर समस्याग्रस्त लोगों से मिलकर उनकी समस्या जानकर जल्द से जल्द उपाय योजना करने के दिशा निर्देश नगर प्रशासन के आला अफसरों तथा मुख्याधिकारी को देकर नागरिकों की भावनाओं का सम्मान कर शीघ्र समस्या छुड़वाने हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर नगर परिषद सावनेर के पंकज छेनिया, नीरज काले, धीरज देशमुख, निशान धुर्वे, अमोल कांबड़े, प्रदीप गवई, जयंत वानखेड़े, प्रसाद कोड़मकर, बीस न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।